तो दोस्तों हम लोग हैं प्रयागराज में, और जैसा आप सबको पता है कि अगर देखेंगे आप तो चारों तरफ स्टूडेंटल एरिया ही हैं, विद्यार्थी ही रहते हैं, तैयारी करने वाले हैं, कोई आईएएस, कोई पीसीएस, यूपीएससी, आरआरबी और कई भी मतलब आने वाली परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं। सब कहीं ना कहीं अपने परीक्षा में, अपने एग्ज़ाम में, अपने पढ़ाई में व्यस्त थे, लेकिन बिना कारण के, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी जानकारी के लॉज में आना, उनको पीटना, उनसे बदतमीजी करना, आतंकवादी जैसा बिहेवियर रखना कि जैसे युवा नहीं कोई आतंकवादी हैं, कहीं ना कहीं ये गलत है। और प्रशासन की भी गलती है, सरकार की भी गलती है, या किसी की भी गलती है, लेकिन गलती तो है जिनके कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिनके जिनको माँ बाप कभी एक थप्पड़ मार दे तो गुस्सा आ जाता होगा, उनको बिना किसी कारण के अनावश्यक वजहों से पीटना कहीं ना कहीं गलत है। पीछे आप देखेंगे तो इसके पीछे एक और लॉज है, वहाँ पे खिड़की तोड़ा गया था, दरवाजे तोड़े गए थे, बच्चों को पीटा गया था, वो तो एकदम नॉर्मल सी बात हो गई थी। और भी लोग हैं यहाँ पे, मिलेंगे उनसे, बातचीत करेंगे। जैसा दादी ने सब बताया यहाँ का एकदम बारीकी से क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बाद भी हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार थोड़ा इधर आ जाएं और भी लोगों से बात करते हैं। यही वो लॉज है जिसमें पीटा गया था बच्चों को। उसके अलावा एक लॉज और है जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, लोगों ने वायरल किया था, हम वहाँ भी जाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ कुछ और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी थोड़ा उनका फीडबैक लेंगे और जानेंगे कि किस तरह से। यहाँ एक भाई साहब हैं, पढ़ रहे हैं, आइए थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं। आइए कैमरामैन भैया, थोड़ा सा दिखाया जाए। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम रमेश है। रमेश है, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम भैया अधीनस्थ की और यूपीएसआई। अच्छा, मतलब आपका आरएलबी और एनटीपीसी से कोई मतलब नहीं है? नहीं। ना आपने कभी इसका फॉर्म, अभी तक जब से पैदा हुए कभी इसका फॉर्म नहीं भरा था, लेकिन फिर भी आके यहाँ पे आपके साथ भी हुआ था? हाँ, हम लोग कमरे में थे और अच्छा, ऐसे ही पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, फिर उसके बाद भी हम लोगों को पता भी नहीं कि बस पहुँचे, दरवाजा तोड़ के मारना स्टार्ट कर दिया। ये भी नहीं पता कि आदमी मार किस लिए खा रहा है। अच्छा, मतलब अनावश्यक था, कभी आप लोगों ने अंदाजा भी कभी नहीं लगाया था कि ऐसा हो सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं। और हम लोग कमरे में हैं, अब शाम, मतलब शाम का टाइम था, 4 बजे के आसपास। अच्छा, और 4 बजे कमरे में है आदमी और फिर तोड़ के सीधा मारना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे कुछ ऐसा तो नहीं था कि इसी लॉज के किसी लड़के ने कोई उग्र प्रदर्शन किया था या गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और स्टेशन से तो हमारा लॉज भी 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। बिल्कुल, बहुत अंदर है। वही हम लोग जब आ रहे थे तो सोच रहे थे कि यार इतना अंदर भले ही क्यों जाएगी पुलिस, लेकिन और मान लीजिए वहाँ भी स्टेशन पे जो भी हो रहा था प्रोटेस्ट, तो कुछ लड़के किए होंगे। अब कुछ लड़कों कारण सारे लड़कों को मारा गया जी। अब मारी कुछ ही पुलिस है, लेकिन बदनाम भी सारी पुलिस होती है। जैसे कुछ लड़कों ने गलती की, सारे लड़कों को मारा गया, ये तो गलत है ना। अच्छा, ये था कि 2-3 लोगों को सस्पेंड कर दिया, छोटे ही अधिकारी थे, वही हवलदार जो थे, आपको लगता है कि यह सही था? अरे अभी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2-3 सिपाही या हवलदार मारे होंगे। बिल्कुल, हाँ, अभी 2-3 को, जैसे आप 2-3 लड़के उपद्रव किए होंगे या फिर जो भी किए होंगे या विपक्षी किए होंगे, जो भी, उनकी वजह से कितने लड़कों को मारा गया। अच्छा, ये भी था तो, कि दादी बता रही कि इस लॉ से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो आरआरबी और एनटीपीसी की तैयारी करता हो। हाँ, या कोई उसमें गया हो उस प्रोटेस्ट में। हाँ, उस प्रोटेस्ट में तो कोई बच्चा नहीं गया था। और यहाँ पे सिर्फ बाहर से आए, दादी बाहर थी, अब दादी से कुछ बात हुई, जो भी हुई दादी ही जानती हैं। हम लोग तो 4th तल पे हैं और हम लोगों का अंदर कमरा भी है। गेट पे दादी थी जी। अब दादी से क्या हुआ, फिर गेट तोड़ के फिर फाद के आना और फिर कमरे में पहुंचते ही मारना स्टार्ट करना, ये सब चीजें गलत। अच्छा, खिड़की उड़की दरवाजा यहाँ भी टूटा था? हाँ, दरवाजा टूटा है, बगल वाले दरवाजे। अच्छा, दादी मना की थी तो थोड़ा सा रुके थे, दरवाजा नहीं तोड़े? नहीं, दरवाजा तोड़े हैं भैया, दरवाजा तोड़े हैं, जो नहीं खुला था उसको तोड़े। हाँ, और लड़के घर चले गए हैं और सब जो घर गए आ गए, अब 15-20 दिन पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई, जो मार खाया। बिल्कुल, डर का माहौल था पूरा। डर का माहौल तो है ही, अब बंदा क्या कर सकता। क्या आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए, किसी की भी सरकार हो, क्या युवाओं के अंदर, या आप लोग कहीं ना कहीं फ्यूचर है, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, अगर युवा है तो उसका देखते हैं कि इंडिया का वो फ्यूचर माना, या किसी भी देश का युवा फ्यूचर होता है, तो इतना डर युवाओं के अंदर अगर होगा
तो कैसे चलेगा? अब डर काहे ना हो, बंदा यहाँ करने क्या आया? किसी को खाने का हो नहीं रहा है, यहाँ तकिया नहीं, हाथ मोड़ के आदमी काम चलाता है, तकिया नहीं ले पाता है। 3,000-4,000 रुपए महीने घर से आते हैं, किसी को खर्चे का नहीं। ये है कि 20,000-25,000 की नौकरी मिल जाए, अब इसमें प्रशासन से कौन उलझेगा? सही बात। अच्छा ये है कि पुलिस वाले तो ये सब जानते हैं ना, आज की बात तो है नहीं कि यहाँ पे लोग तैयारी करते हैं, फिर भी ऐसा? अब अगर ठीक है, मान लो ऊपर से ऑर्डर भी आया, तो इतना उग्र प्रदर्शन या इतनी गंदे तरीके से मारना? हाँ ये चीज तो गलत है, मारना इस तरह से नहीं। अगर आप जिसको प्रोटेस्ट में पाओ, जो रोड पे निकले उसको मारो, एट द टाइम उसको मारो, वो सही बनता है। बिल्कुल। अब कमरे में घुस के मारना ये तो गलत है ना। मतलब ठीक है, मतलब जैसे लोग कह रहे हैं कि हाँ प्रशासन है, छोटे अधिकारी हैं, उनको ऊपर से ऑर्डर आया था, तो ऊपर से ये थोड़ी ना ऑर्डर आया था कि जबरदस्ती कूट दो किसी को भी। और ऑर्डर भी आया तो छोटे कर्मचारियों को भी समझना चाहिए, जो सिपाही हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, कि कल उनके भी बच्चे होंगे, अगर कोई कमरे में पढ़ रहा है तो आप कैसे मार सकते हैं? आपको गलती देखनी चाहिए। क्या आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? जो भी पुलिस का विभाग का अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, आप भी तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आप उनके साथ ऐसा होगा तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी, ये सोच के तो मानना चाहिए। बिल्कुल वही जैसा है ना कि अगर यही सेम चीजें एक छोटे से पुलिस वाले के साथ हो जाए तो वो अपनी वर्दी का धौंस दिखाने लगता है, धौंस दिखाने कि यार मेरे बेटे को छुए कैसे। एक साधारण इंसान, एक साधारण पिता भी यही करता है, जैसे आपके पिता है। अगर आपके पिता के सामने अगर आपको कोई मार दे तो तुरंत गुस्से में आ जाएंगे, या उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उनको सुनने के बाद कैसा लगा होगा? बुरा लगेगा, लेकिन वो आदमी क्या कर सकता है? घर वालों का फोन आया था, बेबस आदमी क्या कर सकता है? घर वालों का फोन आया था, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? यही कह रहे हैं कि अब पढ़ाई छोड़ के चले आओ, छोड़ दो इस तरह से जब मार खाना है तो। बिल्कुल, मतलब कैसे कैसे तो आदमी कहता है, आदमी रिएक्ट करे तो अपनी पढ़ाई छोड़ के जाए। बिल्कुल। अच्छा कहीं ना कहीं लोग छुपाए भी होंगे कि नहीं पिताजी नहीं मार खाए हैं। सब छुपाए हैं जानबूझ के, कि कम से कम घर वालों पे बुरा असर ना पड़े। ये भी होता है कि जैसे कैसे कैसे तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपने पिताजी को, परिवार को कन्विंस करते हैं कि हमको पढ़ना है, हमको तैयारी करनी है। बुरी परिस्थितियों में होकर भी आटा लाना, गेहूं लाना, चावल लाना, यहाँ अगर रूम की व्यवस्था अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही सिमटा हुआ जिंदगी है। मतलब कम से कम में सब कुछ करना, लेकिन उसके बाद उनको कैसे कैसे कन्विंस किया जाता है। फिर अगर पिताजी को पता चले, परिवार वालों को पता चले कि बच्चे मार खा रहे हैं, तो बुरा प्रभाव तो पड़ता होगा ना। अब बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा, आदमी यहाँ आया है बस ग्रुप डी सी की नौकरी कोई भी मिल जाए, कुछ भी मिल, जीवन यापन चल जाए, आदमी का एक संसाधन हो जाए। हाँ इसलिए तो आदमी एक टाइम दाल भात, एक टाइम सब्जी रोटी बना के खाता है, मजबूरियों में। ऐसा थोड़ी ना है कि एकदम लिमिटेड खर्चे हैं। अब बताइए इस परिस्थिति में कोई कैसे प्रदर्शन करेगा यार, इतना तो सरकार को भी अगर प्रोटेस्ट बंदा कर रहा है, तो स्टेशन रहा है, रोड पे है, नहीं हक के लिए, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो वहाँ पे आप उसको मारिए। हाँ, अगर वो अपने हाथों में कानून को ले रहा है और आपने देखा, हाँ देखा, तो उसके ऊपर जो कार्यवाही करनी है मारिए। लेकिन हुए बच्चों को कमरे में आके आप इस तरह से मार रहे हैं, कोई खाना खा के सोया था, कोई खाना बना रहा था, कोई पढ़ रहा था, एकाएक आना और उनको पीटना। अच्छा बहुत लोग आए और अभी तक कोई ये भी नहीं है कि उन्होंने अपनी गलती मानी हो या ऐसा कुछ कदम उठाया हो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रशासन है वो नहीं झुकेगी। काहे झुकेगी प्रशासन? मतलब बच्चे के साथ गलत भी कर दो, खुद जैसे मैंने बताया कि खुद ही, अब 50 पुलिस वाले तो हमारे छत पे खुद ही मार रहे थे, और सस्पेंड इलाहाबाद में 3-4 हुए, 6 हुए, मतलब 50 आए थे, सस्पेंड 3 हुए, 6 और दिखाया गया कि हमने सबको सस्पेंड कर दिया। हमारी जो गवर्नमेंट है योगी बाबा की, वो कहती है कि हम गुंडाराज खत्म कर दिए, लेकिन जो पुलिस गुंडाराज कर रहे हैं उस पे, अब इसमें योगी जी की तो मिस्टेक है नहीं। हाँ। लेकिन प्रशासन को समझना चाहिए ना, किस तरह से करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतना प्रशासन का इफेक्ट तो योगी जी पे पड़ेगा ही। बिल्कुल, प्रशासन को समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या फिर जिनको हम मार रहे हैं, अगर मान लीजिए वो अपने बच्चों को भी मारेंगे पुलिस वाले इस तरह से? बिल्कुल नहीं। क्या अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे ना, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसी हवलदार के बच्चे, उसी पुलिस वाले के बच्चे कहीं ना कहीं बैठ के तैयारी कर रहे होंगे, कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, कुछ तो सोचना चाहिए था, बस यही चीज। अच्छा ये भी है कि बहुत सारे लोग आए, मीडिया आई, कुछ भला नहीं हुआ देखा जाए? नहीं, अब सब अपने तरीके से आ रहे हैं, अपना करके जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब कुछ ये भी नहीं है कि वो अपनी गलती मान ले, आके एक बार पूछ ले कि भाई साहब माफी या जो भी है? नहीं कुछ नहीं, यहाँ के जो लोकल यहाँ के पार्षद हैं वो भी नहीं आए इस लाज में। अच्छा। मकान मालिक से ही कॉन्टेक्ट किए होते कि हाँ किसको चोट लगी है, कम से कम हम कह रहे नहीं आप दवा दिलवा सकते हैं, लेकिन कहते ना बातों का मरहम, कम से कम वो तो लगा सकते थे कि भैया क्या हुआ गलत। अब आदमी यहाँ सब्जी में अगर आलू है तो आलू से बना लेता है, टमाटर नहीं लाता है, और इसमें मार दिए
हजारों रुपए तो बंदा दवाई कर रहा है तो ये तो कम से कम इतना जिम्मा तो उठा लेते हैं यहाँ के नेता, यहाँ के पार्षद, यहाँ के जो भी है, हमको तो नहीं पता कौन है, लेकिन इनकी एक कहते ना जिम्मेदारी होती है कि जैसे गांव है तो गांव की पूरी जिम्मेदारी गांव की मुखिया की होती है, तो यहाँ जो भी था कम से कम आना तो चाहिए था। आप लोगों से कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं, किसी तरह का, ये तो नहीं कि आप वोटर लिस्ट में नाम नहीं है इसलिए न, हम लोग तो यहाँ हम लोगों का यही कारण हो सकता है, रेंट पे रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही राजनीति है भाई साहब कि अब ये लोग कहाँ चुनाव देने वाले हैं, इनसे क्या ही मतलब है, लेकिन है तो आपके ही गढ़ में रहने वाले लोग, है तो आपके ही क्षेत्र में ना, नहीं आया कोई ऐसा कोई नेता वेता टाइप के यहाँ के युवा नेता ये सब? नहीं, किसी ने कोई पूछताछ नहीं की। ऐसे तो बड़ी नेतागिरी होती है इलाहाबाद में। हाँ तो होती है, सब अपने सब अपने फायदे सब के लिए नेतागिरी करते हैं और सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। नहीं आना चाहिए ना, जैसे कि अब आप लोगों के साथ गलत हुआ, अगर अब इतने ही अच्छे नेता होते तो जिन बच्चों को चोट लगी पूछना चाहिए कि किसकी क्या मिस्टेक है क्या नहीं मिस्टेक है, और खड़े होना चाहिए ना, खड़े होना चाहिए या उनको दवा दारू दिला मतलब दवा दिलानी चाहिए एटलीस्ट। बिल्कुल, हम कह रहे हैं आपका ढाल बनना उनकी जिम्मेदारी है ना, लेकिन आप ही से वोट बैंकिंग करते हैं, आप ही से सब कुछ करते हैं, आप ही को लेकर उड़ते हैं। हम लोग काहे से वोट बैंकिंग है, हम लोग यहाँ नहीं, जैसे एक बात करें युवाओं को लेकर ही तो उड़ते हैं ना वो, युवाओं की मेरे पास इतने लोग हैं, मैं इतना खड़ा कर दूंगा। हाँ तो जब उड़ना होता है तब उड़ते हैं, अभी सभी कोई मतलब नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई आके बोला हो कि क्या हुआ या कैसे किस तरह से गलत व्यवहार या कोई किसी ने, आप ठीक है उस वक्त आवाज नहीं उठाई लेकिन बाद में तो सुनना चाहिए था ना। हाँ लेकिन किसी ने कुछ नहीं। और कुछ प्रभाव पड़ा है जीवन शैली पे इस कांड के बाद? इस जीवन शैली पे यही प्रभाव पड़ा है कि 15-20 दिन पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। अब आगे चल के अच्छा ये भी है कि ये भी हो सकता है कि यहाँ की प्रशासन यहाँ की पुलिस सोचते हो कि यार यहाँ इलाहाबाद में लड़के तो बहुत हैं तो इनको कैसे न कैसे डरा के रोक लिया जाए ताकि ये लोग कोई अपनी आवाज ना उठा सके। बस यही रीजन ये है कि कुछ लाजों में जब घुस के मार दिए हैं, अब जहाँ 10 लड़के मार खाए हैं तो पूरी की पूरी गली सुनी हो गई। ये एक मुख्य कारण हो सकता है। हाँ हो सकता है, अभी तो इनको इतना डराया जाए, इनको इतना डरा धमका दिया जाए, इतना बुरी तरीके से मारा जाए कि जो लगभग 10 लाख लड़के होंगे प्रयागराज में पढ़ने वाले, जरूर सर होंगे 10 लाख होंगे ना, तो उनको कहीं ना कहीं डर है कि ये 10 लाख सही बातें ना करने लगे, ये 10 लाख सही सवाल ना क्वेश्चन पुटअप करें। किसी भी सरकार को ये डर होता है कि अगर युवा उग्र हुए तो तुरंत सरकार ऊपर नीचे हो सकती है, तो ये भी हो सकता है कारण कि हाँ चलो इनको डराया ही जाए, ऐसा भी था, गलत हुआ। लेकिन जहाँ तक देखा, जैसे मेरा तो काम है ये, मैं कर रहा हूँ पत्रकारिता, मैं ऐसा नहीं कहूँगा लेकिन काम है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं बीच बीच में ऐसा हो जा रहा है ना कि कैसे लोगों ने डील किया होगा इस सिचुएशन को। अब वो कोई समझ ही नहीं पाया कि आदमी को अपना गुनाह भी नहीं पता है कि आदमी मार क्यों खा रहा है। मतलब उस वक्त ऐसा होता है जैसे कोई चोर हो, गलती करके आए और वो एकाएक कमरे में बंद हो जाए, उसको पीटा जाए, वो पता है उसको कि हाँ मैं किस लिए मारा, किस लिए मारा। अब जैसे मैं ही अपना काम कर रहा हूँ, कोई आए हमको एक पड़ाका मार दे कैसा लगेगा? अब सर आप ही अपने घर में हैं, अगर आपको 10 लोग पहुंचे मारने लगे आप क्या कर सकते हैं? आप तो पूछ भी नहीं सकते ना, जब तक आप पूछेंगे जब तक एक्शन लेंगे तब तक तो 10 पड़ाका मिल गए, तब तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। और यहाँ तो लाठियों से पीटा जा रहा था, बंदूक से मारा जा रहा था, बंदूक के कुंदों, मतलब क्या, मतलब देखा जाए तो यार क्या स्वतंत्र भारत है, हम लोग कई नारे लगाते हैं हम आजाद हैं, ये है वो है, बड़ी तो बड़े बड़े बयानबाजी होती है स्मार्ट सिटी यूपी ये वो, और इस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है जैसे वो आतंकवादी हो, और कहीं ना कहीं ये गलत भी है। एक बार पूछना तो चाहिए कि हो क्या रहा है या यहाँ कोई इन्वॉल्व भी था या नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जैसे मैं इन्वॉल्व भी नहीं है फिर भी मार रहे हैं, मोबाइल फिर तोड़ दिए हैं लड़कों का, उसके बाद फिर सबका मोबाइल चेक कर रहे हैं किसने वीडियो, वीडियो तो नहीं वीडियो बना लिया, अच्छा वो वीडियो वायरल हुआ था उसी से तो उनकी पोल खुली है, उसी से पोल खुली है, नहीं तो दबा दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी प्रशासन एक्सेप्ट ही नहीं करता कि हाँ इस तरह से हुआ ही नहीं था, बच्चों को ही गलत साबित कर दिया जाता, तो अच्छा उनको भी पीटा गया था जिन्होंने वीडियो पे जो वीडियो वायरल किया था। अच्छा ये बगल वाले लॉज में हुआ था? हाँ आगे यहाँ से भी वीडियो तो नहीं बने थे, यहाँ पे वीडियो का बनाने का किसी को चांस ही नहीं मिला। सही बात, इतनी अफरा तफरी हो जाती है ऊपर नीचे, वहाँ अच्छा पहुंचते ही आपको मारने लगे तो आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल वही मैं कह रहा था ना कि ठीक है मेरा तो काम है, लेकिन कहीं कहीं बीच में मैं खुद ही रुक जा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। सपोर्ट की सपोज मैं ही कहीं पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे साथ ऐसा हो तो बुरा है ना। बिल्कुल, और आदमी रुक सा गया, जैसे दादी इस तरह के बता रही थी हम लोगों को कि ऐसे आए ऐसे किया, तो वो जैसे मूवी का सीन नहीं बनता दिमाग में कितना गलत हो रहा था, बस वैसे ही सब फील हो रहा था।
वैसे ही हुआ, पता नहीं, कुछ पता ही नहीं चला कि किस लिए हम लोग मार खा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लड़की चले भी गए होंगे यहाँ से? जी, मार खाने के बाद सारे लड़के इधर आसपास के तो ज्यादा, हाँ, जिनका नजदीक था घर सब। ऐसा तो आप लोगों के पहचान में ऐसा तो कोई नहीं जिन्होंने छोड़ ही दिया एकदम? नहीं, छोड़ भी दिए हैं लड़के, चले भी गए, मतलब जी हाँ। कितना प्रभाव पड़ा बाप रे इससे? सब बहुत सारे लड़के चले गए हैं, सबके घर वाले बुला ले रहे हैं। चलिए, आप घर वाले रहने नहीं दे रहे हैं इलाहाबाद। नहीं नहीं सही बात है, डर बना है। जो वीडियो वायरल हुआ था, कहीं ना कहीं वो लोगों को कुरेद दिया अंदर से ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब हम सबके सब दुलारे हैं, अगर देखा जाए तो हम अपने पिताजी के दुलारे, आप अपने पिताजी के दुलारे, जो भी यहाँ पढ़ते हैं सब चाहते ही हैं वो यहाँ आके कैसे कैसे ज़िंदगी जीते हैं। गैस चूल्हा ये वो, खाना बनाना, सब चीज़ें सिमटी हुई हैं। 10 रुपये का ये लाना, 5 रुपये का ये लाना, उसके बाद पैदल चल देते हैं लेकिन रिक्शे का भाड़ा नहीं अफोर्ड करते हैं जानबूझ के। अब उस परिस्थितियों में उनके साथ ऐसा, आदमी पहले से टूटा हुआ है, उसको इतना तोड़ दिया जाए कि वो कुछ गलत एक्शन ले ले, या कल कहीं कुछ बुरा हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का हाथ रहेगा इसमें। इसीलिए तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं ना। सही बात है, ये मेंटली प्रेशर। इसीलिए ये बघाड़ा एरिया है, सलोरी है, आज दिन यहाँ बच्चे सुसाइड करते हैं। आप तो न्यूज़ पढ़ते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैंने इन सब लाइफ पे, जैसे यहाँ के लोगों की लाइफ पे 2-3 वीडियो बनाए हैं, तो बहुत अट्रैक्टेड कि यार कैसे लोग अपने आप को मिल, जैसे देखेंगे जो बच्चा यहाँ से, जिसके परिवार वाले नहीं रहने देंगे, जो घर चले जाए वो क्या करेगा? बिल्कुल, लास्ट ऑप्शन है। अब यहाँ 5-7 साल इलाहाबाद में रह के, प्रयागराज में, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो अब वो मजदूरी तो कर नहीं पाएगा, तो उसको मजदूरी करने से बेहतर यही लगेगा सुसाइड कर कर लिया जैसे। सही बात है। और जिसने अपने मन में एक होप बना लिया है, एक इमेज बना लिया कि यार हमको इतने दिन में ये करना है, तो कहाँ से सब? और हो भी तो नहीं पा रहा है ना। बिल्कुल। अच्छा, भर्तियां भी है, अधीनस्थ की कोई भी वैकेंसी 5 साल के पहले क्लियर नहीं हो रही। अच्छा, है और आई है अभी लगभग इस सरकार में कोई वैकेंसी? इस सरकार में तो अभी लेखपाल की वैकेंसी आते आते आई नहीं। अच्छा, एक घपला भी हो गया था, मतलब आई लास्ट में आई है, और अभी 5 साल में दरोगा की वैकेंसी एक आई है, एग्जाम हुआ है बस 5 साल में। एक तो एक वैकेंसी आती है, उसका रिजल्ट आते आते 6-7 साल लगा देते हैं, ऊपर से इस बार वो भी ठीक से। सरकार में टीचरों की वैकेंसी आई है, कुछ पुलिस वालों की आई है। अच्छा, आप लोगों के लेवल की कोई अभी तक? अभी अधीनस्थ की तो नहीं आई, एक भी वैकेंसी। 2018 में आई थी, वो BDO की थी, वो भी निरस्त हो गई थी। अब उसका री एग्जाम कराने के लिए मार्च में बोले थे, देखिए कब होता है। अच्छा, ये अक्सर होता रहता है। मान लो, चलो इस टॉपिक से थोड़ा हट के बात करते हैं भर्तियों पे, तो भर्तियां परमानेंट रद्द होना, ये सब होना, ये तो सिलसिला चलता ही रहता है, ये चलता ही रहता है। आप ही हैं, आपने एक माइंड सेटअप बनाया होगा कि हमको इतने दिन में इतना काम करना है, या 3 साल में पढ़ेंगे, 3 साल बाद निकाल लेंगे। घर वालों के भी होप होंगे कि यार ये जा रहा है, 3-4 साल में कुछ करके आएगा, और 4 साल भर्ती ही ना आए तो हो तो यही रहा है ना। बिल्कुल। अब हर बंदे का टारगेट होता है 6 महीने साल भर में सिलेक्शन लेके आ जाना है घर। लेकिन अब 2018 की वैकेंसियाँ अभी तक फंसी हैं, 2016 की फंसी हैं, अभी तक एग्ज़ाम हुआ भी, उसके बाद भी निरस्त हो गई हैं। अच्छा, अब 4-5 साल चल रहा है, जो 6 महीने का प्रॉमिस करके घर से आया है वो 4-5 साल रहेगा, अब घर वाले कैसे सपोर्ट कर पाएंगे बताइए? बिल्कुल, मतलब कहना कितना सपोर्ट कर पाएंगे। लोवेस्ट मिडिल क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से नहीं, लोवेस्ट मिडिल क्लास से, सिर्फ खाने कट जा रहा है, यही बहुत है। कैसे कैसे लोग, अब कैसे करेगा आदमी? एक तो खुद ही दर्दनी कहानी ऑलरेडी बनी हुई है, और उसमें फिर से एक ऐसा अड़ंगा फंसाना कि आदमी सोसाइटी कर ले। अब जो भी सिपाही मार रहे हैं, अब जो नए एज के हैं वो मार रहे हैं, ठीक है, उसमें जो 50 साल के ऊपर है वो भी मार रहे हैं, उनको तो समझना चाहिए, और नए एज को भी जिनके तो समझना चाहिए, जिनके बच्चों के एज के हम हैं, उनके भी बच्चे मार रहे हैं, तैयारी कर रहे होंगे, वो भी मार रहे हैं। ठीक है, आप प्रोटेस्ट में जिसको पाओ, रोड पे जिसको पाओ, जिसको गलत पाओ उसको मारो, बिल्कुल इलीगल है, लेकिन आप इस तरह से सबको मारेंगे, गलत है। चलिए, बढ़िया लगा बात करके, और प्रयास तो है कि कुछ करे सरकार, और ना कुछ सरकार करे तो कम से कम जो वीडियो ये देख रहे हैं ना, वो तो इससे सीख लें कि हाँ उनको क्या करना है, या किस तरह से किस पार्टी का, किस प्रशासन का, किस सरकार का चुनाव करना है, इतना तो मन बना ही लेना है आप लोग। सरकार का चुनाव अलग बात है, लेकिन प्रशासन को ये समझना चाहिए कि अगर जो बेगुनाह है उनको क्यों मारा जाए। बिल्कुल, अगर जो गुनाह कर रहे हैं उनको मारा जाए, चलिए ये ठीक है, जो बेगुनाह है उनको क्यों मारा जाए, अगर जो गलत कर रहा है उनको मारो आप। हाँ, पूछताछ तो करो, वही जैसे कि खुद ही जज बनना, खुद ही फैसला करना। संविधान में ये कहा गया है कि चाहे 100 मुजरिम छोड़ जाए, लेकिन एक दो गुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सारे बेगुनाहों को सजा मिली, मुजरिम को छोड़ के और सारे बेगुनाहों को मारा गया। बिल्कुल,
चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके। प्रयास क्या ही करेंगे जब इतने लोगों का नहीं सुन रहे हैं तो हम लोगों का क्या सुनेंगे, लेकिन यह है कि सोचना चाहिए ऐसे चीज़ों पर, ऐसी बातों पर सरकार को गौर करना चाहिए, क्योंकि उनके अंडर में तो बहुत कुछ है, उसके आगे प्रशासन है, प्रशासन को तो इतना जैसे आतंकवादी जैसा बिहेवियर तो नहीं है करना चाहिए था बच्चों से। हम कहते हैं चलो ठीक है, आपको ऑर्डर आया था, आपके ऊपर कुछ पावर है, कुछ प्रशासन है जिन्होंने आपको बांध के रखा था, लेकिन आप ये काम आसानी से भी कर सकते थे, आराम से भी कर सकते थे। एक तरीका होता है कि बाय गुड बिहेवियर आप पता कर सकते थे, जो पकड़ा जाता उसको कूटते, वो अलग मुद्दा था, लेकिन ऐसे किसी को पढ़ते हुए बच्चे के साथ कोई खाना खा के लेटा है, कोई तैयारी कर रहा है, कोई बात कर रहा है, एकाएक आना और उनको पीटना, दैट्स नॉट गुड। चलिए बढ़िया लगा आपसे बात करके, बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए, आप अच्छी तैयारी करिए। आशा भी है कि आप कहीं जाएंगे तो कुछ नया परिवर्तन करेंगे। वैसे सरकार तो नहीं चाहती है कि कोई कुछ बन पाए, उनका तो पूरा प्रयास रहता है कि डूब ही जाएं सब, लेकिन फिर भी आशा रहेगा आपसे, और मैं भी प्रयास करूंगा, कुछ और लोग भी हैं, कम से कम थोड़ा लॉस दिखा दूं। थैंक यू बात करने के लिए। चलिए अच्छा, ये दरवाजा तोड़े थे, अच्छा एक मिनट, ये भी लड़का रूम छोड़ के चले गया। अच्छा ये छोड़ के चला गया। दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह से, कितनी दरिंदगी से, जैसे लगता है कि किसी ने कोई बहुत बड़ा मर्डर कर दिया और मर्डर का अपराधी उसको इस तरह से मारा गया। देखिए ये हमें लगता है बंदूक की उसी से मारा गया, बट से ही इसी से मारा गया था, मतलब दरवाजा तोड़ा गया था। अच्छा वो लड़का भाग गया, अभी जो इसमें रहता था, इसमें जो रहता था वो गायब है, वो चला गया, चला गया। अच्छा यहाँ भी देखिए, साक्षात्कार महोदय आ जाइए, थोड़ा थोड़ा दिखा दीजिए इसको, ये देखिए ये निशान पैरों के आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हमने तो देख ही लिया है। ये लड़का भी भाग गया ना, कमरा छोड़ के सब चले गए, अभी फिलहाल के लिए तो सब भाग गए हैं डर के मारे, अब पता नहीं आगे क्या डिसीजन लेंगे, फैमिली प्रेशर, मेंटल प्रेशर, उसके बाद ही अपने आप को तैयार कर पाएंगे। यही लॉज है, और एक लॉज और भी था जहाँ लोगों को बड़ी बुरी तरीके से पीटा गया था, बिना आगे जा तक पर बिना 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 इसमें है। अच्छा ये बहुत है हमारे, अच्छा भैया आइए आइए, थोड़ा इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? बैठिए, कोई बात, ऋतुराज यादव सर। अच्छा ऋतुराज यादव, क्या हुआ था उस दिन, कुछ बताइए सर। उस दिन NTPC और RRB पे बच्चे वही धरने दे रहे थे, और जिनका जिनका जो धरना था वही सब दे रहे थे। मैं तो उस समय सर मैं घर से आया था, अच्छा, और मैं गोदान ट्रेन से सायगंज से आया था, प्रयाग स्टेशन पे उतरा था, उसी समय अपना बैग लेके आया था, रूम में रखा था। अच्छा, और रूम में रखने के बाद मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। अच्छा, अब मुझे क्या मालूम चला कि पुलिस आ रही है, उसने दरवाजे पे कई बार पैर से पीटे कि दरवाजा खोलिए खोलिए। अच्छा, तो हमको भाई मालूम नहीं था कि सामने पुलिस खड़ी है, दरवाजा उन्होंने हमने तो दरवाजा अंदर से खोला, उसका फिर मैंने उनको बताया कि सर मैं अभी घर से आ रहा हूँ, चाहे आप मेरा बैग देख लीजिए, चाहे आप मेरा बोरा देख लीजिए, मैं अभी ट्रेन से आ रहा हूँ। उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, और मेरे पैर पे, इधर पैर पे और इधर पे कम से कम 10 लाठियां इन्होंने भाजी, कम से कम 10 देखे हमारे काला हो गया था पूरा, कम से कम 10 लाठियां हमारे पैर पे भाजी गई। ऐसी स्थिति आ गई जैसे मालूम पड़े कि दिव्यांग हो गए हैं, चलने की स्थिति एक पल के लिए। उस समय 25 तारीख को जो हुआ था घटना, वो जान लीजिए विद्यार्थी के जीवन के लिए बहुत बड़ा काला दिन है ये। उसी दिन हम लोगों को मारा गया था, और फिर मान लीजिए अभी आज 16-17 दिन हो रहा, दवा वा लगाए हैं, काफ़ी तक हद आराम है। अच्छा आराम है। हाँ, और फिर 2 सेकंड बाद एक पुलिस और आए। हाँ। उन्होंने कहा कि दरवाजा खोलिए, तो हमने बताया कि सर मैं अभी घर से आ रहा हूँ। उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। अच्छा। कहा कि मोबाइल में तुम कहीं कोई वीडियो नहीं बनाए हो? अच्छा। कहीं तुम कोई इमेज तो नहीं खींचे हो? हमने कहा नहीं सर, कुछ नहीं खींचे, आप हमारा मोबाइल देख सकते हैं। हाँ। चाहे आप मेरे घर बात कर सकते हैं कि मैं अभी घर से आया हूँ। अच्छा। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे मारना चालू कर दिया। मतलब अभी जस्ट आए ही थे पूछा था भैया पहुंचे कि ना। हाँ। अब बता ही पाओ था तसे तन के लाठी बरसा था। अरे बाप रे, तो घर वालों को बता दिए थे? नहीं, घर वाले तो फोन में तो सुन ही लिए थे। घर वाले क्या, घर वाले गिर गए, घर वालों ने कहा मारे जब, तो
मरीज आ गए तो क्या करे, मोबाइल हाथ से छूट गया। सही, घर वालों ने कहा कि चले आइए घर अगर स्थिति नहीं सही हो। हमने कहा नहीं तो भी हम तो घर से आ ही रहे, हमको यहाँ पढ़ना कुछ, यहाँ बंद कराएंगे घर चाहे जो हो जाएगा। अच्छा। तो इधर भी यूनिवर्सिटी हमारा एग्जाम भी लगा हुआ अप्रैल मंथ में है और इस समय हम विश्वविद्यालय से हमारा फाइनल ईयर भी है। तो घर वाले तो मायूस हुए होंगे, बोले होंगे घर वाले तो मायूस हुए, कहे कि रूम छोड़ दीजिए या तो कुछ दिन के लिए चले आइए घर आप आराम। हाँ, उसका फिर जब माहौल सही हो जाएगा तब चले जाइएगा। अच्छा। तो हमने कहा नहीं अब सही है इधर, हम खुद कर लेंगे, आराम हो जाएगा क्योंकि तैयारी भी तो करनी है ना। अच्छा, तो अभी सब कुछ ठीक है जी? अभी वैसी कोई अब सुविधा नहीं है? कोई कोई आया हुआ तो नहीं? नहीं, कोई नहीं आया ना, कोई पूछने भी नहीं आया, कोई पूछने भी नहीं आया कैसे क्या घटना हुई है, कैसे क्या हुआ, कोई मतलब जानकारी लेने तक भी नहीं आया। अच्छा, तो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं जी? यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हो रहा है और इधर यूपीएससी की तैयारी चल रही है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जी सर? लेकिन फिर भी आपसे पूछा भी नहीं गया एक बार कि आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि आप जब इस फील्ड में आएंगे तो कुछ सुधार करेंगे? नहीं, इस फील्ड में आएंगे तो सुधार तो होना चाहिए कि मतलब जो लेकिन आने दो तब ना, आने देंगे तभी पहुंच पाएंगे वहां जब मेहनत करेंगे। पहले तोड़ दे रहे हैं, पहले ही तोड़ दे रहे हैं, पहले ही मारना चालू, लेके टांग पैर सब तोड़ दे रहे हैं। अभी तक तो केवल मनोबल तोड़ा जाता था जी जी कि चलो भाई साहब भर्तियां रद्द होती थी, ये होता था वो, तो उससे तो केवल मनोबल तोड़ता टूटता था। अब तो ये कर रहे हैं कि टांग भी तोड़ दो उनका। टांग भी तोड़ दो। अरे भाई जब टांग तोड़ देंगे तो हम तो चल ही नहीं पाएंगे आगे, कुछ तो कर नहीं पाएंगे। चाहते मतलब इसी तरह युवाओं का विकास होगा? नहीं, युवाओं का विकास तो पढ़ने से होगा, लेकिन ऐसे जो पुलिस का जो प्रशासन का जो रवैया है बहुत गलत है। अरे भाई जो धरने में गए हैं आप उनको मारना चालू करिए, तो सीसीटीवी फुटेज तो लगा होगा, उससे आप देखिए कौन बच्चे इसमें शामिल थे उनको मारना चालू करिए। और हमारा भी तो सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, हम तो घर से आए हैं। यहाँ लगा है? यहाँ नहीं लगा, वहाँ स्टेशन पे तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे उतरा हूँ, लेकिन भाई आप एक बार मेरे घर तो बात कर सकते थे कि भाई लड़का गया धरने में। आज जब इतना बड़ा फैसला आप ले सकते हैं, किसी को बिना बताए, बिना जानकारी के, बिना कुछ कहे मार सकते हैं। अब इधर जो जो मारने वाले थे सब यही नए उम्र में थे, 20 से 25 साल। अच्छा। 26 साल। हाँ। उनको भी तो सोचना चाहिए कि भाई वो प्रयाग की धरती से तो ही आगे बढ़ तो युवा ही ना, तो युवा होंगे, युवाओं पे अत्याचार करना कहीं ठीक? उनको भी तो समझना चाहिए, हो सकता है उनके घर से कोई यहाँ पढ़ाई कर रहा हो। बिल्कुल, लेकिन वो समझने लायक भी नहीं तो मारना चालू। कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी तो यही तैयारी करके, यही पढ़ाई करके, यही जिंदगी जी कर अपने आप को इतना एबल किया था, अपने आप को स्टैंड किया था, तो उनको तो ये सब बातें समझ में आती होंगी ना कि आम जिंदगी में ऐसे कैसे समझ में आती होंगी। लेकिन उन लोगों को एक था मारने का धुन चढ़ा था, धुन चढ़ा था, मारने चालू कर दिए, एक बात भी नहीं सुने थे ऊपर से तो ऑर्डर आया। यहीं पे मारे भी थे? अच्छा। हाँ, यहीं पे मारे थे, यहीं पे, मतलब यही सिचुएशन था, यही समय भी हमें लगता है यही समय था। समय सर 5 बजे 5 बज रहे जी सर। अच्छा। और मैं उस समय आया था, ऐसे अपना बैग रखा था इधर तखत पर, अपना बोरा रखा था और मैं ड्रेस भी नहीं उतारा था, ड्रेस पहने ही था। हाँ। और देख रहे हैं कि सुबह से घर से निकले होंगे, सुबह में सर सात खाए थे या नहीं खाए थे जी सर। और फिर मारना चालू कर दिए, बात भी नहीं सुने एक प्रकार से हमारी। और नीचे कुछ बच्चे उनको भी तो मारे, कुछ बच्चे दो सामने दो दो में बच्चे घर चले गए, चले गए उनका दरवाजा, दरवाजा भी खूब तोड़ा, दरवाजा भी पूरा थे, इधर हमारे दरवाजे पे इधर पैर से मारे भी थे। अच्छा। वो तो जबरदस्ती कर ही रहे थे जी सर, खोलने के बाद और खुन्नस भरी। हाँ, कि लेट खोले या ऐसा वैसा। अब मालूम भी तो नहीं था कि पुलिस आ रही है। अब हम तो भाई घर से आए, फिर अपना सामान वामान सब व्यवस्थित करने लगे, दरवाजा अंदर से भाई बंद कर दिए। अब वो बाहर से आकर पीटने चालू कर दिए, हमने सोचा भाई हो सकता कोई हमारा यार मित्र हो, किसी को कोई किसी की आवश्यकता हो, कुछ लेना चाह रहा हो, भाई देख रहे हैं खाकी वर्दी वाले हैं, मारना चालू कर दिए हैं। कहाँ से हैं आप वैसे? जी सर हम आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से जी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, अब कर ही क्या सकते हैं, जब हो गया नहीं तो सर हो गया। आप लोगों से यही उम्मीद है कि इस मैटर को सर एक उठाया जाए, प्रशासन और राजनेताओं के बीच में उठाया जाए। हाँ। कि मतलब कि ऐसी अनहोनी और विद्यार्थियों के साथ ना होने पाए, ऐसा तो नहीं है होना चाहिए। बिल्कुल, हम कह रहे ठीक है, अगर किसी की गलती भी है तो पहले जो तरीका होता है पूछने का, जांचने का, उसके बाद कोई ठोस कदम उठाया जाता है। ऐसे थोड़ी ना कोई अपने आप को एकदम एरोगेंस करके और कुछ भी कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और सर जहाँ तक बात है कि आरआरबी और एनटीपीसी का एग्जाम हम दिए भी नहीं है, उस समय हमारी एज भी नहीं थी। लॉज हम सुन रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा नहीं, 2019 की वैकेंसी, उस समय मैं क्लास 12th में था। अच्छा। उस समय मैं क्लास मतलब एबल ही नहीं, एबल ही नहीं थे हम, देने लायक ही नहीं थे। बिल्कुल, मतलब कोई वास्ता ही नहीं, कोई वास्ता नहीं, जान भी नहीं रहे कि एनटीपीसी है क्या। सही बात है, कितने बच्चों को जिनको मारे उनको फुल फॉर्म भी नहीं पता था उसका, भी नहीं या उन्होंने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनको पीटा। हाँ जी सर, फिर भी उनको मारे भी थे। अच्छा, आगे वाली चौल में भी हुआ था ये घटना? आगे वाले चौल में था सर, रोड पे जो अगल बगल लाज में। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुआ था जी सर, इसके बाद वाले चौल? जी सर, इसी बगल वाले। हाँ, वो खिड़की उड़की खूब तोड़े हैं, खिड़की भी तोड़े थे सर। वहाँ के बच्चे हैं अभी कि चले गए सब? नहीं सर, कुछ तो भय से और
चले गए हैं सब, कुछ लोग घर चले गए हैं, कुछ लोग रूम छोड़कर दूसरी जगह से दूसरे मतलब रूम ही बदल दिया, रूम ही चेंज कर दिया, डटे हैं तैयारी करने की, सब तैयारी करने आए हैं सब, कुछ न कुछ यहाँ तो बनकर जाएंगे ही। हाँ। तो लगे हुए हैं, मनोबल नहीं गिरता ऐसी बातों से, ऐसे नहीं मनोबल तो ये गिरता है कि जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं उसी देश में जहाँ से APJ अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग बड़े बड़े नारे पैदा हुए, उत्पन्न हुए, हम लोगों के लिए कुछ किया, वहीं की सरकार और वहीं के पुलिस के प्रशासन के लोगों ने हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की, हो सकता कल हम ही लोग प्रशासन बने या प्रशासन बने। जी सर, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहुत निंदा है कि मतलब विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज जो हुआ बहुत अभूतपूर्व घटना है। चलिए कोई बात नहीं, अब कर ही क्या सकते हैं, आप लोग तैयारी करिए, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस मत लीजिएगा इस पे, नहीं तो आपसे यही उम्मीद है कि आप हम लोगों की बातों को मतलब बिल्कुल बिल्कुल प्रसारित करिए। और ये कहीं ना कहीं कहते ना कि आँख खोलने वाली जो बातें होती हैं ये बस उसी तरह की बातें हैं कि इससे जनता को आँख खोलना चाहिए, और कहीं भी अगर कोई भी फैसला हो तो इन सब चीज़ों को बात को मद्देनजर रखने के बाद ही ये सब करना चाहिए। तो आज यही था कि सोचा हम लोग थोड़ा सा बातचीत करें उन लोगों से जिनके साथ ये आप बीती हुई थी। तो हम लोग थे प्रयागराज में और अभी आप देख रहे हैं द देसी मीडिया। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।